सोमवार को महाराष्ट्र में जमकर हिंसा हुई। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। पुणे से बीड और लातूर जाने वाली बसों को फिलहाल रोक दिया गया है। एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंके का बंगला भी फूंक दिया गया। बंगले में खड़ी 8 से 10 गाड़ियां भी जलकर खाक हो गई। इन सबके पीछे का कारण है मराठा आरक्षण। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। 25 अक्टूबर से महाराष्ट्र में एक्टिविस्ट मनोज जरांगे भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है मराठा आरक्षण। उनका कहना है कि उन्हें सिर्फ कुछ जिलों कुछ क्षेत्रों में आरक्षण नहीं, बल्कि मराठाओं को पूरे महाराष्ट्र में आरक्षण चाहिए। इसी मांग के साथ उनकी भूख हड़ताल की शुरुआत हुई थी और मराठा आंदोलन का इतिहास भी काफी पुराना है। मराठा आंदोलन क्या है, इस आरक्षण की मांग क्यों की जा रही है और आखिर मराठा कौन होते हैं, इस मामले को लेकर वर्तमान सरकार क्या कर रही है, विपक्ष का रुख क्या है, इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें और इस तरह की और जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बिना देरी किए चलिए आपको मराठा आरक्षण की पूरी कहानी बताते हैं। सबसे पहले आखिर मराठा कौन है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनशन कर रहे मनोज जरांगे, जो कि फिलहाल लाइमलाइट में हैं, उनका कहना है कि मराठा और कुणबी एक ही हैं। संभाजी ब्रिगेड से जुड़े प्रवीण गायकवाड़ ने बताया था, मराठा कोई जाति नहीं, राष्ट्रगान में मराठा को भौगोलिक इकाई के तौर पर बताया गया। जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं वो मराठा है। गायकवाड़ के मुताबिक जाति तो व्यवसाय के आधार पर तय की गई है। कुणबी तो बारिश पर निर्भर सीमांत किसान थे, उनमें से जो लोग खेती बाड़ी का काम निपटाने के बाद एक क्षत्रिय की भांति योद्धा की भूमिका निभाते थे उन्हें मराठा कहा गया और धीरे धीरे वो सेनापति जैसे बड़े ओहदों पर पहुंच गए। 1 जून साल 2004 को रिटायर्ड जस्टिस एसएन खत्री की अध्यक्षता वाले राज्य पिछड़ा आयोग ने मराठा कुणबियों और कुणबी मराठाओं को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने की मंजूरी दी थी। ये तो बात हुई कि कुछ लोगों के मुताबिक मराठा कौन है, खासकर वो एक्टिविस्ट जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और अब ये मराठा आंदोलन और तेज आग पकड़ रहा है। इसके चक्कर में कई जगह हिंसा की खबरें भी सामने आ रही हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इन मराठाओं की मांग क्या है, यानी कि मराठा आरक्षण की मांग क्या है। मराठाओं में जमींदारों और किसानों के अलावा अन्य लोग भी शामिल हैं। अनुमान है कि महाराष्ट्र में ही मराठाओं की आबादी 33% के आसपास है। ज्यादातर मराठा मराठी भाषी होते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर मराठी भाषी मराठा हो। मराठा आरक्षण को लेकर जो अभी आंदोलन चल रहा है उसकी शुरुआत हुई थी 1 सितंबर को। ये लोग मराठाओं के लिए ओबीसी का दर्जा मांग रहे हैं। इनका दावा है कि सितंबर 1948 तक निजाम का शासन खत्म होने तक मराठाओं को कुणबी माना गया और ये ओबीसी थे, इसीलिए अब फिर इन्हें कुणबी जाति का दर्जा दिया जाए और ओबीसी में शामिल किया जाए। कुणबी खेती बाड़ी से जुड़ा समुदाय है, इसे महाराष्ट्र में ओबीसी में शामिल किया गया है। कुणबी जाति के लोगों को सरकारी नौकरियों से लेकर शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण मिलता है। अनशन पर बैठे मनोज जरांगे कहते हैं कि जब तक मराठियों को कुणबी जाति का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। महाराष्ट्र में मराठा लंबे वक्त से अपने लिए आरक्षण की मांग करते आ रहे हैं। साल 1982 में मराठा आरक्षण को लेकर पहली बार बड़ा आंदोलन हुआ। 1982 में मराठी नेता अण्णा साहेब पाटिल ने आर्थिक स्थिति के आधार पर मराठाओं को आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन किया था। सरकार ने उनकी मांग को नजरअंदाज किया तो उन्होंने खुदकुशी तक कर ली थी। साल 2014 के चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थान में मराठाओं को 16% आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लेकर आए थे, लेकिन साल 2014 में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की सरकार चुनाव हार गई और भाजपा शिवसेना की सरकार में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। हालांकि नवंबर साल 2014 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस अध्यादेश पर रोक लगा दी। फडणवीस की सरकार में मराठा आरक्षण को लेकर एमजी गायकवाड़ की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग बना। इसकी सिफारिश के आधार पर फडणवीस सरकार ने सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास एक्ट के विशेष प्रावधानों के तहत मराठाओं को आरक्षण दिया। फडणवीस सरकार में मराठाओं को 16% का आरक्षण मिला, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे कम करते हुए सरकारी नौकरियों में 13% और शैक्षणिक संस्थानों में 12% कर दिया।
मई साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने कहा कि आरक्षण की 50% की सीमा को तोड़ा नहीं जा सकता। अब गौर करने वाली बात, जब मराठा आरक्षण को लेकर मांग काफी पुरानी है और आंदोलन तेज होता जा रहा है, तो सियासत में आखिर ये मराठा कितने ताकतवर हैं? सियासत में इस मराठा आरक्षण की मांग से क्या असर हो सकता है? माना जाता है महाराष्ट्र की सियासत में मराठाओं का अच्छा खासा दखल है। 1950 से 1980 के दशक तक मराठाओं की पसंद कांग्रेस हुआ करती थी, लेकिन बाद में इनका राजनीतिक रुख बदलता गया। कांग्रेस के बाद मराठा एनसीपी की ओर चले गए, बाद में शिवसेना और फिर भाजपा की तरफ इनका रुझान बढ़ गया। अनुमान है कि अब भाजपा को मराठा कुणबी समुदाय से अच्छे खासे वोट मिलते हैं। मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि महाराष्ट्र में मराठा सामाजिक और राजनीतिक रूप से काफी सक्षम है। कोर्ट ने कहा था महाराष्ट्र में 40% से ज्यादा विधायक और सांसद मराठा समुदाय से होते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक मीडिया रिपोर्ट में माना गया है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में लगभग 45% सीटें मिलती रही हैं। 1980 का दशक छोड़ दिया जाए तो कभी भी महाराष्ट्र की कैबिनेट में हिस्सेदारी 52% से इनकी कम नहीं हुई है। इतना ही नहीं, 1960 में महाराष्ट्र के गठन के बाद से अब तक 20 मुख्यमंत्री बने, जिसमें 12 मराठा समुदाय से रहे हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मराठा हैं। महाराष्ट्र में मराठाओं की पसंद भाजपा और शिवसेना रही है। चुनाव के बाद हुए कुछ सर्वे इस बात का जिक्र करते हैं कि मराठाओं की सबसे ज्यादा भाजपा और शिवसेना को ही वोट मिलते रहे हैं। कुछ आंकड़ों की बात की जाए तो साल 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 24%, शिवसेना को 30% वोट मराठाओं के मिले थे। इससे पहले हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा शिवसेना गठबंधन को 52% वोट मराठाओं के हासिल हुए थे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना को 39%, भाजपा को 20% वोट मराठाओं के मिले थे। इस तरह उस साल हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा और शिवसेना गठबंधन को 57% वोट मराठाओं ने दे दिया था। बीते दो लोकसभा और दो लोकसभा चुनाव का ट्रेंड ये बताता है कि महाराष्ट्र में सत्ता की चाबी मराठा वोटों के हाथ में ही है। इस मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। जाहिर सी बात है, मराठा आरक्षण को लेकर सरकार भी घिर रही है, तो विपक्ष भी इस मामले पर बोलने से बच नहीं रहा। एनसीपी नेता सुप्रिया सूर्य ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा के बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग तक रख दी है। इस मामले को लेकर शिंदे सरकार बुरी फंसती हुई नजर आ रही है। ठाकरे गुट की शिवसेना ने भी इस मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। शिंदे गुट से जुड़े शिवसेना सांसद हेमंत पाटिल ने लोकसभा सचिवालय को और हेमंत गोडसे ने एकनाथ शिंदे को इस्तीफा सौंप दिया है। इस बीच सोमवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि 11,530 रिकॉर्ड में कुणबी जाति का जिक्र है और मंगलवार से नए जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि इस मुद्दे पर गठित रिटायर्ड जस्टिस संदीप शिंदे कमेटी मंगलवार को अपनी रिपोर्ट देगी, जिस पर कैबिनेट में चर्चा होगी। इतना ही नहीं, आंदोलन के दौरान हिंसा के बीच सोमवार शाम को मुख्यमंत्री शिंदे ने राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात भी की है। दोनों के बीच ये मुलाकात 45 मिनट तक चली। हालांकि सीएम ऑफिस ने मुलाकात को रूटीन प्रोसीजर बताया, इसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं किया गया है। एक मामला ये भी है कि मराठाओं को आरक्षण मिलने से शिंदे सरकार की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आएंगी, बल्कि कुछ पेच हैं जो यहां पर फंस सकते हैं और सरकार और ज्यादा फंस सकती है। वो कैसे, ये भी आपको बताते हैं। मराठाओं को अगर सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण मिल भी जाता है तो इससे समस्या खत्म होती नजर नहीं आ रही। मराठाओं को दरअसल यह आरक्षण ओबीसी कोटे के अंदर ही मिलेगा। ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है और इसी के अंदर मराठाओं को आरक्षण देने की बात कही जा रही है। ऐसे में ओबीसी समुदाय को ये डर है कि मराठा उनके आरक्षण को हड़प लें, यानी कि आरक्षण ना देना भी सरकार के लिए गले की फांस बना हुआ है। और अगर आरक्षण देने की बात पास हो जाती है, यानी कि ये मान लिया जाता है कि मराठाओं को आरक्षण दिया जाएगा, तो भी एक नई लड़ाई को जन्म देने की बात हो सकती है, जिसमें ओबीसी समुदाय को ये डर है कि मराठा उनका आरक्षण कहीं हड़प ना ले। मामले पर आपकी राय क्या है, कॉमेंट कर हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।